फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्केर फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर इज ट्वेंटी मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द बोथ स्केयरस तो यहां पे हमें कंडीशन ये बनाएं कि जो दो स्क्वायर हैं उनका जो सम ऑफ एरिया एरिया का जो सम है वो 468 है और उनका जो पेरीमीटर उसका डिफरेंस 24 मीटर है तो यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि जो ए वन है ए वन और ए टू ए वन एरिया ऑफ फर्स्ट स्केयर है ए टू एरिया ऑफ सेकेंड स्क्र है जो फोर हंड्रेड सिक्सटी एट है और क्योंकि जो यहाँ पे कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर तो हम ये ले लेंगे कि पी टू माइनस पी वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर हम सपोज करेंगे पेरीमीटर ऑफ सेकंड जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट या आप कोई भी कंडीशन ले सकते हो मैं पी टू माइनस पी वन ले रहा हूँ आप पी वन माइनस पी टू भी ले सकते हो तो हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर से तो मैं आगे इसका सोलूशन शो करता हूँ तो हमें सपोज करते हैं कि लेट साइड ऑफ वन स्क्वेयर एक्स मीटर है तो हमें पैरीमीटर एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे पैरीमीटर फाइंड कर लेंगे पैरीमीटर होता है फोर इंटू साइड तो साइड एक्स है तो पैरीमीटर हो गया फोर एक्स मीटर और एरिया एरिया होता है साइड इंटू साइड तो वो हो गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र हो गया अगली कंडीशन गिवन है कि डिफरेंस ऑफ पैरीमीटर ट्वेंटी फोर है तो डिफरेंस ऑफ पैरीमीटर मैंने ये कर लिया कि सेलेक्ट द पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्येर माइनस पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्र जो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर है ट्वेंटी फोर है अब पैरीमीटर जैसे हमने फॉर्मूला बताया है कि पैरीमीटर होता है फोर इंटू साइड तो ये सेकेंड स्क्वेयर क्यों लोग फोर इंटू साइड या सेकेंड स्क्येयर की मैं बात कर रहा हूँ और पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्यर जो आप फोर्स एक्स हो गया इक्व टू ट्वेंटी फोर अब मैं इसकी हेल्प से इस कंडीशन की हेल्प से सेकेंड जो स्क्यर uh, है उसकी साइड फाइंड करूंगा यहाँ से मेरे पास आ गया ये ये फोर एक्स उधर चला जाएगा प्लस फोर हो गया तो फोर इंटू साइड इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर प्लस फोर एक्स हो गया अब ये साइड हो गया साइड होता है ये इसको डिवाइड कर दिया जो फोर मल्टीप्लाई कर रहा था ये सब डिवाइड कर जाएगा तो बन जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस फोर एक्स ओवर फोर फोर मैंने कॉमन ले लिया फ़ोर से फोर कट जाएगा तो एक्स प्लस सिक्स या सिक्स प्लस एक्स ये है पैरीमी साइड ऑफ सेकेंड स्क्यर तो अब मेरे पास आ गया साइड ऑफ सेकेंड स्क्र आ गया तो वहाँ से मैंने फाइंड कर लिया एरिया एरिया होता है साइड इंटू साइड तो यहाँ पे साइड मेरे पास है सिक्स प्लस एक्स होल स्क आइडेंटिटी हो गया एरिया ऑफ सेकेंड एरिया जो है वो मेरे पास है फोर हंड्रेड सिक्स मीटर स्क्वेयर तो समय हो गया सम ऑफ एरिया हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्र जो एक्स और एरिया ऑफ सेकेंड जो ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस एक्स स्क्र है और इनको इक्वल टू फोर हंड्रेड सिक्सटी एट तो यहाँ से मैंने लाइक टर्म्स इकट्ठे कर ली एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र हो गया टू एक्स स्क्र ट्वेल्व एक्स और थर्टी सिक्स माइनस ये फोर हंड्रेड सिक्सटी एट इधर आ गया तो ये माइनस फोर हंड्रेड सिक्सटी एट हो गया अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इन दोनों को सबट्रैक्ट किया फोर हंड्रेड थर्टी टू आ गया टू यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से मैंने टू कॉमन लिया है तो उस टू को अगर आप देखें यहाँ से टू कॉमन लेके एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्व टू जीरो टू कॉमन लेने से क्या होगा कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो ईजी हो जाएंगे ईजीली आप फाइंड कर सकते हो सिक्स एक्स की मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग कर दी एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इन दोनों का सम जो सिक्स एक्स है उन दोनों का प्रोडक्ट टू हंड्रेड सिक्सटीन हो जाएगा अब दो पेयर बन गए फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर पहले पेयर से एक्स कॉमन ले लिया सेकेंड पेयर से ट्वेल्व कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस एटीन और एक्स माइनस ट्वेल्व ये मेरे पास दो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं तो यहाँ से जब मैं इनको इक्वेट करूंगा जीरो के तो मेरे पास आएगा एक्स इक्व टू माइनस माइनस एटीन और एक्स इक्व टू ट्वेल्व अब क्योंकि साइड है जो डायमेंशन है नेगेटिव नहीं हो सकती इसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू मींस साइड ऑफ फर्स्ट स्क्यर मेरे पास आ जाएगी ट्वेल्व तो साइड ऑफ फर्स्ट आ गई ट्वेल्व और साइड ऑफ सेकेंड स्केयर जो आएगी ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन तो ये आंसर है कि साइड ऑफ फर्स्ट स्क्यर होगी ट्वेल्व मीटर और साइड ऑफ सेकेंड स्क्यर होगी एटीन मीटर थैंक यू